तो आज की इस डेमो क्लासेस में, एक्सेल की डेमो क्लासेस में हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बता रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। आप अपने पास एक नोट पैड रख लीजिए, हाँ जो जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसको नोट कर लीजिएगा। मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेशन आफ्टर दी क्लास कुछ समय बाद आपको ये मेल पे मिल जाएगा, जिसको आप आराम से बैठ के देख सकते हो। ओके ठीक है, ओके, थैंक अखबार ये डेमो क्लासेस यू। आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल महसूस हो कि हाँ इस तरह से आप घर बैठे मुझसे सीख सकते हो बिना किसी ट्रेनिंग रूम में गए हुए, तो फिर आप ज्वाइनिंग कोर्सेस को फॉलो कीजिए। ओके, तो हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आखिर करता है क्या, इस जस्ट इस एग्जांपल को जान लीजिए करता है क्या। नॉर्मल आप फॉर्मेटिंग करते हो, फॉर्मेटिंग मतलब क्या करता है कि फॉर्मेटिंग में से कि इसके अलाइनमेंट को सेट करना, इसको इसकी बॉर्डर सेट करना, इसकी फॉन्ट सेट करना, इसकी बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर करना, बोल्ड इटैलिक, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। ओके, तो आप कोई भी फॉर्मेटिंग अगर नॉर्मल यहां से अप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए इसकी बैकग्राउंड कलर मैंने येल्लो अप्लाई कर दिया, तो ये कलर हमारा येल्लो है, इससे जो है मतलब कि कलर जो येल्लो कर दिया, तो आपका इस पे क्या डेटा क्या है, कौन सी वैल्यू है, कहाँ लोकेशन है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको जस्ट कमांड हुआ कि अप्लाई द कलर, ये अप्लाई कलर अप्लाई कर दिया। लेकिन आपकी जरूरत आपको ओके, पड़ती है कि मैं अपने वैल्यू के अगेंस्ट अपने डेटा को हाईलाइट करूं, मतलब कि हाईलाइट करने की बात होती है। जैसे मैं सिलेक्टेड कॉलम में चाहता हूं कि इसमें जो नंबर्स हैं वो जो मोर देन 50 नंबर्स है उसको सामू, मतलब कि उसको हम कलर करें, फॉर्मेट करें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा काम क्या है, हमें फॉर्मेटिंग करना है, लेकिन हमारी कंडीशन लग गई है कि फॉर्मेटिंग अप्लाई द फॉर्मेट इफ डेटा इज ग्रेटर देन 50। ओके, तो फॉर्मेटिंग विद कंडीशंस, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करना है आपको और कंडीशंस के साथ करना है। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो जस्ट उसकी विजिबिलिटी को चेंज करता है, उसकी ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता है। जैसे कि आपने गलती से इस पे डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह का डेट नहीं बन गया है, ये जस्ट विजुअल बना है। वापस जब अगर आप नॉन जनरल फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे तो आपका नंबर हो जाएगा। तो एक कंफ्यूजन हर स्टूडेंट को होती है कि यार कंडीशनल वर्डिंग से मुझे डेटा चेंज कर देना, नहीं आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, डेटा की विजुअल उसकी लुकिंग जो होता है लुक लुक को चेंज कर सकते हो। ओके, हाँ ठीक है, जी, तो हमने क्वेश्चन किया कि हमें ये अप्लाई करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग बट ग्रेटर देन 50 पे। तो कंडीशनल वर्डिंग पे जाएंगे, इसमें कई सारे टैब है। पहला टैब है हाईलाइट सेल्स रूल्स, मैंने हर सेल्स को हाईलाइट करना है किसी पर्टिकुलर रूल्स पे। तो ये आपके कर्सर आएंगे तो यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इस तरह की कंडीशन है। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को सिलेक्ट किया और मैंने बोला 50। यहाँ पे हमने अपना कंडीशन लिखा कि भाई 50 से फॉर्मेट सेल देन आर ग्रेटर देन 50 अब होगी। वो शो नहीं कर रहा कुछ भी। हाफ शो किया, वो थोड़ी सी इंटरनेट शो मतलब कर रहा। स्लो है थोड़ा सा, इस कारण एमटीएस में दिक्कत होती है। दही क्या ये बोल या मतलब आपने जो ये फॉर्मेट आप लेके आए हो ना, ये ग्रेटर देन वाला, रहे, ये कहाँ से लेकर आए हो, फिर से दिखाना। होम मेनू में आप जाए, पहले तो आपको सिलेक्ट एरिया को सिलेक्ट कीजिए जिस एरिया पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ओके उस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद होम मेनू बार के अंदर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, क्लिक करोगे, एक टैब खुल के आएगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर्सर ले जाकर आप क्लिक करोगे तो एक टैब आपको खुल के आएगा, इसमें आप ओके, देखेंगे, आपको दिख रहा है आपको हाईलाइट सेल्स टॉप बॉटम डेटा बार कलर्स रूल्स। हाँ हाँ, इसमें सबसे पहला आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इस हाईलाइट सेल्स रूल को ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो राइट साइड में आपको खुल के आएगा एक टैब, जिसमें होगा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इस तरह के आ रहा है खुल के। ओके, हाँ जी, अब इसमें हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 50, तो ऑब्वियसली बात है हम ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। हाँ, हमने ग्रेटर देन में क्लिक किया तो एक पॉपअप बन के आ गया, ये पॉपअप बन के ओके, आएगा, हाँ, तो आगे, उस पॉपअप पे आप देखिए डिफॉल्ट एक एवरेज नंबर होता है 44.5 दिख रहा है डिफॉल्ट, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे
50 हमें लिखना है तो हमने यहाँ 50 लिख दिया, और कलर भी देख रहे हो साइड में आपका डिफॉल्ट कलर आ रहा है, इस एक कलर नहीं चाहिए कोई और आपको कलर चाहिए तो इसके बगल में उसी को ड्रॉप डाउन करेंगे, इसमें आपको जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आएगा और इसमें आपको तीन चार कलर्स होंगे जैसे येल्लो ग्रीन लाइट रेड टेक्स्ट रेड बॉर्डर, ये प्री डिफाइंड है। आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे अपना खुद का हमें चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में जो है कस्टम फॉर्मेट सबसे लास्ट वाला टॉपिक आपको जो है कस्टम फॉर्मेट, उस कस्टम फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप कस्टम फॉर्मेट को क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं आपको फॉर्मेट सेल का एक पॉपअप खुल के आएगा, ठीक है। उसमें आप देखिए कि नंबर की फॉर्मेटिंग है, बोल्ड फॉन्ट की फॉन्ट नंबर की फॉर्मेटिंग, जैसे कि आप डेट वेट चेंज करना चाहते हो नंबर फॉर्मेटिंग क्लिक कर सकते हो, इसकी फॉन्ट साइज वाइज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ जा सकते हो, बॉर्डर फॉन्ट पे जा सकते हो, बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर पे जा सकते हो, और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप फिल पे आ सकते हो। तो आपके पास चार टैग हो गया, नंबर फॉन्ट बॉर्डर एंड फिल, ठीक है। अब हम फिल पे कर्सर रखेंगे, जो भी फिल करना है उस फिल पे कर्सर रखेंगे, ग्रीन फिल करना है कर्सर रखा तो क्लिक किया एंड ओके, एंड लास्ट में एक बार आप ओके कर लीजिए, ओके ये आपका अप्लाई हो जाएगा। और फिक्स नहीं है, अगर मान लीजिए कि चेंज कर दो, जैसे हमने 10 को जो 10 लिखा हुआ है उसको हमने 60 करके एंटर मारता हूं, 60 करके जैसे एंटर मारा वो आपका कलर अप्लाई। अच्छा, अगर मोर देन कोई भी ये डिजिट है इसको मोर देन 50 करूंगी तो अपने आप वो कलर्स पे अप्लाई हो जाएगा। हाँ, और जो जैसे ही आप कम करोगे 60 है 52 कर दिया मैंने, 42 कर दिया एंटर मारा तो कलर हट जाएगा। ओके ठीक है ठीक है। उसी तरह से और कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको यहीं पे लेस देन बिटवीन डाला हुआ है, लेस देन छोटे के लिए और बिटवीन दो नंबर के लिए, समझ में आ जाएगा या करके दिखाऊं? मींस इसको इसमें कलर को चेंज, किसी भी बैकग्राउंड को के कलर को चेंज करने के लिए हम ये हाईलाइट सेल रूल का यूज करते हैं ना? हाँ, हाईलाइट सेल रूल का यूज करते हैं, मतलब बैकग्राउंड को चेंज, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने, बैकग्राउंड कलर की चेंज की बात नहीं करते हैं, सब चीज बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है या बॉर्डर अप्लाई करना है या डेट वेट का कुछ चेंज करना है, पूरी फॉर्मेटिंग सेल की बात कर रहा हूँ ना। हमने हमने जब कस्टम फॉर्मेट किया था तो जैसे बैकग्राउंड थोड़ी था, सब चीज था उसमें, तो नहीं नहीं ये जो हाईलाइट सेल्स रूल है इसमें जो हमने ग्रेटर देन जो भी किया तो इसमें हमने कलर चेंज किया ना इसमें? हाँ, अभी हमने कलर चेंज किया, लेकिन ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ कलर चेंज करने के लिए इसको अप्लाई करते हैं, इसमें सब चीज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिटवीन, अच्छा, इसका फॉन्ट भी चेंज कर, हाँ बिटवीन मैंने लिया और यहाँ पे दिखा आपको बिटवीन करने पर जैसे अब ऑफ आया तो दो नंबर के बीच की रेलो को हाईलाइट करना चाहते हैं ये। हाँ, इसमें आप देखिए येलो ग्रीन रेड बॉर्डर इस बार है ना, ये तो प्री डिफाइंड है, हाँ, लेकिन सबसे लास्ट में आपको कस्टम फॉर्मेट आ रहा है, इसमें क्लिक करते आपको फॉर्मेट सेल आता है, इसमें चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, नंबर फॉन्ट बॉर्डर ये सब चेंज कर सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से इसको हम बात करते हैं, सिर्फ इसको नहीं कर सकते कि हम बॉर्डर चेंज करने के लिए, हम बोल सकते हैं हाँ फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है ना। अरे इंटरव्यू देने जाइएगा तो आप बोलिएगा मैं कलर चेंज करने के करती हूँ, तो सामने वाला बंदा इस चीज के लिए टोक सकता है या फिर इस चीज के लिए नेगेटिव दे सकता है कि यार कैसे से कलर चेंज करेगा, सब चीज हाँ, मतलब इसमें अलाइनमेंट भी चेंज करते हैं, फॉन्ट भी चेंज करते हैं, बॉर्डर भी करते हैं, फिल भी,
नंबर समथिंग आप हाँ ये आप हाँ ये बोल सकते हैं कि फॉर्मेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं समथिंग, कंडीशंस के बिहाफ पे हाँ भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके हाँ ठीक है, जी तो इसी तरह से आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन दो चीजों का यूज, तीन चीज सेम है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप क्या डाल सकते हो, इसमें आप सकते हैं नंबर, डे एंड टाइम, तीन चीजें डाल सकते हो। जैसे कि कोई पर्टिकुलर क्या डे क्या डाल डाल सकते दो, हैं नंबर, डे एंड टाइम। नंबर जैसे मान लीजिए कि मैंने नंबर लिख दिया आप, मैं 5 नवंबर के बाद के डेट को हाईलाइट करना चाहता हूं, ठीक है, तो हमने डेट एक बार लिख दिया हाँ मैं जी डेट, और यहां पे मैंने हाईलाइट, और मैंने यहां पे ग्रेटर देन पे गया, तो ग्रेटर देन पे इतने यहां पे लिखा है डेट, मैं यहां 5 नवंबर, यहां पे 5-10 नवंबर हाईलाइट हो गया। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। ग्रेटर अच्छा 5 नंबर से ज्यादा ओके आ गया ठीक है, हाँ जी तो इसमें आप डे डे टाइम और नंबर यूज कर सकते हो, किसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स के पहला तीन ऑप्शंस, ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन। क्या क्या, ग्रेटर अच्छा देन, लेस देन एंड बिटवीन। बट इसमें आप वो टेक्स्ट एग्जाम्पल से कर सकते हो कि ग्रेटर देन कविता या ग्रेटर देन दिल्ली, इस तरह का टेक्स्ट आप नहीं कर सकते। अच्छा इसमें किसी हाँ ठीक है क्योंकि ये तीनों का ही केवल हम ग्रेटर देन लेस देन कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते ठीक है समझे, मैं कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट अप्लाई नहीं कर सकते कहने का मतलब ये हुआ, बट इक्वल टू में सब चीज कर सकते हो। एग्जैक्ट सेल है, जैसे मैं यहां पर 38 डाल दिया, तो सिर्फ 38 को हाईलाइट होगा। ठीक है, एवरीथिंग, इक्वल टू में किसको चेंज कर सकते हैं कुछ भी, चाहे वो डेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे टाइम हो या टेक्स्ट, एक्चुअल सेल वैल्यू होता है। जैसे मैंने यहां पे पुनीत लिख दिया, और पुनीत लिख के नीचे ड्रैग करता हूं, और कंट्रोल सॉरी इस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू करता हूं, मैं चाहता हूं जहां जहां नेहा है ना वो हाईलाइट, तो मैं यहां पे नेहा कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, इक्वल टू पे क्लिक करूंगा, और यहां नेहा नेहा डालूंगा, ज्यादा नेहा हुआ वहां हाईलाइट हो जाएगा। मतलब पूरे शीट में जहां भी नेहा होगी वो नहीं, हाईलाइट हो शीट जाएगी नहीं कहेंगे मैं, पूरे सिलेक्टेड सिलेक्शन, जहां जहां हमारा सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शंस में। ओके मतलब पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम जो हम जो सेलेक्ट आप करें सिलेक्ट करेंगे, हाँ पूरी शीट नहीं कर सकते, पूरी शीट थोड़ी होगा, जितना ये हाँ सिलेक्ट करेंगे उतना ही होगा, और लगाने से पहले आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ओके मतलब कॉलम भी कर सकते हैं और रो में भी सिलेक्शन जहां भी हम हाँ सिलेक्शन करेंगे उस पर्टिकुलर चीज में वो उसको हाईलाइट करेगा ठीक है ठीक है, चलिए हाँ जी आगे बढ़े। हाँ तो इक्वल टू में क्या होता है, एग्जैक्ट सेल वैल्यू होता है। अब बारी आती है दैट टेक्स्ट दैट कंटेन। अब एग्जैक्ट सेल वैल्यू में प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं सिटी लिखता हूं यहां पे, ठीक अब प्रॉब्लम क्या हो गया, मुझे दिल्ली को हाईलाइट करना है, तो अगर मैं इक्वल टू करूंगा दिल्ली, तो न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा, और न्यू दिल्ली हाँ करूंगा जी तो इक्वल टू हाईलाइट नहीं होगा। ओके समझे, हेलो हाँ जी हाँ सुन लो, सर मैं आपको इसी हाँ प्रॉब्लम में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है। तो
तो पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी होता है, आई इक्वल टू, मतलब कि आपने कुछ ऐसा नाम हुआ ना, कहीं ऐसा कुछ ऐसा डेटा है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर एक सेल वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहीं पे आपका वो पूरा लिखा हुआ है, कहीं पे उसको शॉर्ट या फर्स्ट लीनियर लिखा हुआ है, जैसे कहीं पे दाली लिख देते हैं, कहीं पे न्यू दाली लिख देते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ हाइलाइट में कि इक्वल टू तो क्या बोलता है, एग्जैक्ट सेल वैल्यू, क्या मतलब सिर्फ दिल्ली को बोलो दिल्ली को हाईलाइट करेगा, न्यू दिल्ली को हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो सेल जो लिखोगे वो एग्जैक्ट होना चाहिए। हाँ जी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहां पे टेक्स्ट दैट कंटेन यूज करेंगे, इक्वल टू के नीचे आपका होता है, जाओगे हाईलाइट सेल्स रूल में आप जाएंगे तो इक्वल टू के नीचे आता है टेक्स्ट दैट कंटेन, उस पर क्लिक करेंगे और यहां पे जो लिखेंगे तो एक कंट्रोल एफ की तरह काम करेगा। अगर मैं यहां पे दिल्ली लिख दिया तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट होगी, दिल्ली जहां जहां होगा चाहे वो अकेले हो या वो किसी के साथ ओके वो उसको हाईलाइट कर देगा। ओके समझे? हाँ जी, तो दिल्ली का काम ये होता है, इसका टेक्स्ट दैट कंटेन ओके तो टेक्स्ट दैट कंटेन इसके लिए होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास नेक्स्ट डेटा है, अब इस डेटा में मुझे हाईलाइट करने हैं, क्या हाईलाइट करने हैं, डेट को, तो जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ग्रीन लेस देन ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिक्स हो जाता है, जैसे मैंने बोला इक्वल टू 7 नवंबर, तो 7 नवंबर आज से आज का 21 नवंबर है, तो 21 नवंबर हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमेशा 21 नवंबर ही हाईलाइट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे सेल में जो सिस्टम डेट है, सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग आपका हाईलाइट करें, मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैं फाइल खोलूं उस दिन से एक दिन पहले का डेट हमेशा हाईलाइट। अच्छा, जैसे सिस्टम डेट चेंज हो ये भी अपने आप को चेंज कर, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहां पे हम यूज करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल में ए डेट ऑफरिंग। ओके, ए डेट ऑफरिंग में क्या होगा, ए डेट ऑफरिंग में हमारा होगा कि यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको स्टडे चाहिए, टुडे चाहिए, टुमारो चाहिए, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, जो भी आप कंडीशन सिलेक्ट करोगे उस कंडीशन पे ये आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है, बट इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज जैसे होता है ना, जब आप हम लोग डेटा, जैसे कि हम लोग डेटा डाउनलोड जैसे मैं करता था कि कस्टमर की कंप्लेंट्स आते थे, ठीक है ना, तो कंप्लेंट्स में एक एक तो होता है कंप्लेन, दूसरा होता है कंप्लेन पे कमेंट, जैसे कि आपने 4 दिन पहले कंप्लेन किया था तो आप उसमें कुछ कुछ एडिशन अमाउंट डाल दे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कंप्लेन डेट होता है, तो मुझे क्या होता था कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि जो न्यू कंप्लेंट्स है उसको पहले फॉरवर्ड करना, समझे, पुरानी कंप्लेंट्स को हम बाद में देखेंगे, पहले न्यू कंप्लेंट्स को, तो पुराने कंप्लेंट्स तो हम फॉरवर्ड कर चुके हैं, वो अपना काम कर रहा है, तो पहले न्यू कंप्लेंट्स को, क्योंकि न्यू कंप्लेंट्स को मुझे एक बार असाइन करना होता था, मैं आईटी हेल्प डेस्क की बात कर रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट के लिए काम करता था जो कि होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी, तो उसमें होता था, उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब हम डेटा डाउनलोड करते ये करते थे, डेटा डाउनलोड हो जाते हम एक साथ इकट्ठा करते थे, तो उसमें जो कंप्लेन डेट हुआ करता था तो उसको हमें मैनुअली जाके फिल्टर लगाना होता था। ओके, कि आज का डेट क्या है, आज का डेट 21 तारीख है, देखिए 21 तारीख, और कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन में होता ना कभी कभी हमारे साथ कि हम आज हमारी तारीख 21 है और हम सोच रहे हैं कि 22 तारीख है, नतीजन क्या हो रहा है कि हम डेट जो है कोई और ले लेते हैं, डेट जाता है।
तो हमने क्या किया कि हाईलाइट कर दिया, जब इसको हाईलाइट कर दिया कि टुडे से हमने हाईलाइट कर दिया या स्टडे से हाईलाइट कर दिया, तो ये हमेशा सिस्टम जैसे के अकॉर्डिंग चलेगा, और जब इसको डेटा चाहिए होगा तो हम इसको फिल्टर लगा लेंगे हाईलाइट पे, फिल्टर बाय कलर, ठीक है। तो उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि आपको ऐसा चाहते हैं कि मेरा आज का डेट या कि मैंने कल का डेट या नेक्स्ट वीक या लास्ट वीक या नेक्स्ट मंथ दिस मंथ इस तरह कंडीशंस में डेटा हाइलाइट हो जाए, जिसको हम आईडेंटिफाई करें। तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज ही क्यों कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हो ना हाईलाइट करने के लिए, ताकि आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सको। आप जो किताब पढ़ते थे ना, किताब में जो मेन मेन टॉपिक होती थी उसको आप लोग हाइलाइटर से या पेन से घेर देते थे ना, राउंड कर देते थे या नीचे लाइन लगा देते थे। वो लाइन क्यों लगा देते, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता था, आप नेक्स्ट टाइम जब उसको रीड करने आओ तो वो आपको खोजना ना पड़े, सीधे नजर उस पर पड़ जाए। जस्ट लाइक दैट, कि ये भी आपका वही है कि आपको यहाँ पे खोजना ना पड़े, वो आपको सीधे नजर पे पड़ जाए। क्लियर है? हाँ जी। और अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो लास्ट है हमारे पास, ये है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू क्या करता है कि आपकी जो डेटा है उस डेटा पे जो डुप्लीकेट नंबर है, मतलब कि जो मोर देन वन टाइम है, उसको हाईलाइट करता है। डुप्लीकेट मोर देन वन, वन टाइम रिपीट है, एक से ज्यादा बार लिखा हुआ है, डुप्लीकेट समझ में नहीं आया आपकी, आपकी वॉइस ना कट गई, आप डुप्लीकेट का फिर से बताना। मतलब कि जो एक से ज्यादा बार रिपीटेड है। ओके। जैसे ये हुआ ना कि आप कोई भी नंबर, हाँ जैसे कि आप यहाँ पे एक कॉलर नंबर बताता हूँ, एक कॉलर इसका आप अकाउंट नंबर लिख रहे हो, ठीक है, दूसरी शीट में हमने एक कॉलम लिखा उसमें मैं अकाउंट नंबर लिख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझसे एक एक अकाउंट नंबर दो बार गलती से एंट्री ना हो। क्या आपको सबको पैसे ट्रांसफर करने हैं, कुछ ट्रांसफर करने हैं, तो एक नंबर अकाउंट दो बार होगा तो दो बार अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ जी। इसलिए अब एक नंबर को एक ही बार लिखना चाहते हो तो कैसे उसको रोकोगे, तो उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाओ, एंड डुप्लीकेट वैल्यू सबसे लास्ट में आ रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू उसको सिलेक्ट कीजिए और अपना फॉर्मेटिंग जो है रखना चाहते हो फॉर्मेटिंग साइड से रख ले, उसके बाद आप इस पे ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद इस कॉलम में जो भी नंबर हम लिखेंगे, कहीं भी नंबर जैसे रिपीटेड होगा, जहां जहां रिपीट होगा दोनों हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ जी। तो डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अच्छा मैम, हाँ जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है।